मुझे लगता है कि हमने मिस हुमा को काफी स्ट्रेस दिया है। ऐसा बर्ताव ना यहाँ नहीं माना जाएगा क्योंकि इस घर की मालकिन मैं हूँ, मुझे ये मंजूर नहीं है। बहुत हुआ, बहुत इंटरफेरेंस मत करो। जब से तुम यहाँ आए हो तुमने हर चीज में अपनी नाक बीच में घुसेड़ी है, तोते जैसी नाक वाला। सच में? हम सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं पर मैं और किसी को हर्ट नहीं कर सकता, किसी को अपसेट नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यू नो, सच में आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं पेशेंट रहूंगा और समझूंगा, पर ऑनेस्टली अब मुझसे नहीं हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और जब मैंने इस तरह से रिएक्ट किया तो हमेशा वो रोने का नाटक करती है, वो करने लगी, और अब मैं तंग आ गया उन सब चीजों से। यू नो, इरिटेट हो गया हूँ मैं। मुझे पता है काफी होप्स थे अंकल से, पर मेरे सारे होप्स पर पानी फिर गया। हाँ, उन्हें वैसे उनके सपोर्ट में तुम्हारे अंकल मिले थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड थे। यू नो हाउ ही इज। लेकिन हम जैसा चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कितना कुछ सोचा था, अब मैं क्या करूँ? मुझे माफ कर दो, अब हम क्या करेंगे? हम शादी कर लेते हैं। हम तो इस सब्जेक्ट के बारे में बात ही नहीं कर सकते। नहीं, हम वैसे भी अब बात नहीं करेंगे। तुम, मैं और दो विटनेस, हम आज ही सिविल रजिस्ट्री जाएंगे और वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं। अभी के अभी, आज के आज, मैं ये सब और नहीं झेल सकता। क्यों इतनी जल्दी? ऐसा मुमकिन है? हाँ, ऐसा हो सकता है सनम। मैंने पहले ही सब कुछ चेक कर लिया है, मैं रिसर्च कर चुका हूँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं और शादी फटाफट हो जाती है। एग्जैक्टली, तुम क्या कहती हो? तो फिर ठीक है, हैंग ऑन, मेरा फोन, लैला का कॉल है। हेलो लैला। मिस्टर जान, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये प्रेजेंटेशन। क्या हम शादी कर रहे हैं? तो बात ये है कि मिस्टर जान। ऐसे कैसे? क्या तुम शादी कर रहे हो? क्या बात है, तुम ऑलरेडी रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गए? चलो ठीक है, हम वहीं आ रहे हैं जल्द से जल्द। क्या तुम मजाक कर रही हो? मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं। सने, मैं यहाँ कांप रहा हूँ। ठीक है, हम मिलते हैं। मैंने कहा, मैं बस कह रहा हूँ, ये दुनिया की सबसे सेंसिबल चीज है करने को। तो क्या तुम देख रहे हो जेजे, यही राइट थिंग है करने को, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। क्या बात है, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो वाकई बहुत शॉक्ड हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जान और सनेम की शादी होगी, पर एमरे और लेला ही शादी कर रहे हैं। उसके बदले मुझे मिस्टर एमरे कहना चाहिए। मैं जान का दोस्त हूँ, एमरे का नहीं। ये अच्छी बात है कि हम दोस्त हैं। ऑफिस बॉय, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? वो एक्चुअली थोड़ी फ्रेश हवा खाने के लिए, उन्हें काम करते करते परेशानी हो गई, इसलिए उन्हें फ्रेश एयर की नीड है। यू नो, आप समझ रही हैं ना मेरी बात? मुझे साफ साफ बताओ कि ये सब चल क्या रहा है? सब इतने खुश हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं हूँ ना यहाँ एजेंसी में, मुझे तो हमेशा से यही रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मुझे नौकरी से निकाल दे। मैं बस यहाँ का एक एम्प्लॉई हूँ। ऑफिस बॉय, मुझे बताओ वो कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानता। आई एम सॉरी। मेरा बेटा? मेरा बेटा, फिर से एक बार कहिए। जे जे, मॉम, वो सब कहाँ जा रहे हैं? मुझे अभी के अभी जाना है, मुझे अभी के अभी बताओ। तो मुझे बताओ कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, बताओ मुझे। क्या ये कोई सीक्रेट है? तुम कभी सीक्रेट नहीं रख सकते, तुम हमेशा सच बताते हो। क्या मॉम, मैं नहीं जानता, पता होता तो मैं आपको बता देता। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड। क्या तुम ठीक हो? ऐसे सरप्राइज देने के लिए सॉरी, क्या तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कुछ और बात कर रहे थे और उस बात को लेकर सरप्राइज थे। हम भी कुछ ऐसा ही तो करना चाहते थे। अमेजिंग ब्रदर, टू गुड है ना? आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग, ऐसा ही करना चाहिए। वैसे हमारी मॉम्स ऐसी क्यों हैं? वो अभी तक तुम्हारा रिलेशन भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, उनकी तो आपस में बनती ही नहीं है। आई होप कि वो हमें एक्सेप्ट कर लें, हमने एक दूसरे के लिए बहुत वेट किया है। वो करेंगे, करेंगे, जरूर एक्सेप्ट करेंगे। रूम जल्दी से जल्दी रेडी हो जाएगा। हेलो एवरीवन, दरअसल ऑफिसर थोड़े से ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, अपडेट देने के लिए थैंक्स। ऊपर वाले, लेकिन ये डिले क्यों हो रहा है? कैसे, क्या हुआ? ऐसी चीजें क्यों होती है बैक टू बैक? बहुत ही बढ़िया साफ हुआ है, इससे अच्छा साफ नहीं हो सकता।
ये किसका फोन है? हेलो, मिसेस मेव की बेटी, मैं हुमा हूँ। मैं आपको पिकअप करने के लिए आ रही हूँ। हुमा, ऐसे कैसे? लैला और एमरेश शादी कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और बिना बताए तो बिल्कुल नहीं कर सकती। वो कर रहे हैं, मुझे भी लगा था कि मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, पर तुम्हें समझाते समझाते तो उनकी शादी भी हो जाएगी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। जल्दी, ठीक है? मिस ह्यूमा, प्लीज काम डाउन, खुद को इतना स्ट्रेस मत दो। मैं काम डाउन कैसे रह सकती हूँ? आपको बता रही हूँ कि वो दोनों शादी कर रहे हैं। काम डाउन। चलिए मिसेस मैक के बेट, जल्दी आइए। काम डाउन प्लीज, काम डाउन, सब ठीक होगा। रामी, मेरी शॉप का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। निहात भी होलसेलर के पास गए हैं। कमॉन, उन्हें भी अभी जाना था। जल्दी चलिए चलिए। मुझे तो टैचिकार्डिया हो गया है, मुझे तो अब बस पैनिक अटैक आ सकता है और मैं ज्यादा नहीं वेट कर सकती। काम डाउन, काम डाउन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक गॉड। हाँ, तो किसकी शादी करवानी है? हाँ, कौन शादी कर रहा है? हाथ ऊपर कीजिए। हम शादी कर रहे हैं। ये देखिए, जिसने सूट पहना ना, ये शादी कर रहा है। प्लीज वहाँ चलो। हाँ, हाँ, ओके। ओके। ये काफी ज्यादा फास्ट है, नहीं? ये सच में स्लो है या मैं ऐसा सोच रही हूँ? और कितना वेट करना पड़ेगा? ऐसे काम जल्दी में नहीं होते हैं। हम काफी यंग और डायनामिक है। हम वैसे ही बहुत वेट कर चुके हैं, प्लीज जरा जल्दी कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। क्या कर क्या रही है यार, समझ ही नहीं आ रहा मुझे कुछ। मुझे दिख रहा है वो वहाँ चार पेज आ गई है, तो आप डायरेक्टली वहाँ भी आ सकती है। ऐसे एक एक मत पलटिए ना। मैं स्लो मोशन से हिप्नोटाइज हो रही हूँ। मिल गया मुझे, तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी वजह से, आपकी वजह से ये सब कुछ आपकी बेटी ने किया है। दोनों को शांति से, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। चलिए चलिए, आराम से। चलो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, खराब करके रख दिया उसने। समझ में नहीं आ रहा कैसे मान गई वो। उनकी शादी मेरी बहन से नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी इस तरह से हो। इस तरफ आओ, इधर इधर। डोर नंबर चेक करना होगा। एमरे, 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 मेरी बेटी है, मेरी बेटी। डोर नंबर बी, डोर बी, डोर नंबर बी, बी 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 का है। रुकिए मिसेस मैप के, रुकिए एमरे। हाँ अरे बाप रे। मॉम, ये सब रोको अभी की अभी। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। ये ऑब्जेक्शन किसकी है? ये सब रोक दीजिए। ये क्या ये कर रही हो तुम? नहीं हो सकती। तुम शादी कैसे कर सकती हो? मेरी इजाजत के बिना शादी कैसे नहीं कर सकती हो तुम? नहीं 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 नहीं, नॉट पॉसिबल। मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। क्या कर रही हो तुम? ये क्या करने जा रही हो बेटा? I'm sorry, पर जैसा आपको दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, ओके? हाँ, हमने शादी नहीं की है। तुमने शादी नहीं की? नहीं की ना? नहीं, आज नहीं, अभी तक तो नहीं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लैला कहाँ है? एमरे कहाँ है? वो कहाँ है पता नहीं। जिस कपल की अभी अभी शादी हुई वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले जाना भूल गए थे। क्या आप दे देंगे प्लीज? मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, दो, मुझे दो, दे दो उन्हें, भले ही वो फाड़ दे उसे। मुझे पता था, मैं जानता था कि ये फोटोज को देखकर शॉक हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत खराब है। हाँ, यही रीजन है। ओ नहीं,
दिस इज इम्पॉसिबल। यकीन नहीं हो रहा। ऊपर वाला सब अच्छा करता है। भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों किया तुमने ये? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो अंकल मिथाक, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। और तुम? वेरी गुड। जान, मुझे बस अब बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। मैं कितनी एक्साइटेड थी पूरा दिन। हाँ सही कहा, मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। फाइनली हम दोनों की शादी हो गई। ओ हेमरे, अभी हमने क्या किया? जैसे कि ये कोई सपना हो। तुम मेरा सपना हो लैला। आई लव यू वेरी वेरी मच। आई लव यू टू। मेरी बेटी का फोटो यहाँ पर क्यों है? इस मैरिज सर्टिफिकेट पर उसका फोटो क्यों है? क्या वो मिसेस मैफ की भी है? क्या सच में उनकी शादी हो गई है? मिसेस हुमा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो दोनों यहाँ पर है, हमारी मॉम्स यहाँ पर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। पर उन्हें यहाँ किसने बुलाया? मुझे नहीं पता, पर उन्हें कैसे पता चला मुझे नहीं पता। अब हम क्या करेंगे? अब वो लोग आए गए तो हमें जाकर उनसे मिलना ही पड़ेगा ना। हम वहाँ जाएंगे? हाँ जाएंगे, चलो। क्या आप श्योर हैं? लैला काम डाउन, चलो। मॉम मॉम नाराज मत होइए, वो दोनों बहुत खुश है। आप दोनों ऐसा मत फील कराइए। मॉम आप थोड़ी देर के लिए प्लीज लेट जाइए, मैं आपको थाई मसाज दे दूंगा। कम ऑन। पर ये सच नहीं हो सकता। एमरे को अकेला छोड़ दीजिए, वो बहुत खुश है। उसकी खुशी अब से बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही है? हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अगर वो लोग खुश हैं तो हमें भी खुश रहना चाहिए। मैरिज काफी मिरेकुलस है, क्या आप जानते हैं? उन्हें उनकी खुशी एंजॉय करने दो। हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए। ठीक है, हाँ सही है, हमने शादी कर ली। हाँ हम जानते हैं। अरे मॉम, अरे यार्पिटल लेके चलते, जल्दी करो। लैला मेरी बच्ची, अपनी रिंग छुपाओ। लैला जाओ उनके पास, जाओ वहाँ बैठो। मॉम मॉम क्या आप ठीक हैं? बताइए। मैं ठीक हूँ, शायद बुरा सपना देखा उसकी वजह से ये हुआ। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी उस ब्लॉन्ड लड़के से शादी हो गई। ये रहे वेडिंग डिलाइट्स आपके लिए। ओ अंकल, हम वाकई में आपकी राह देख रहे थे। चलिए सब मीठा खाते हैं और मीठा बोलते हैं। मॉम ये कोई सपना नहीं है, मैं मिस्टर एमरे से शादी कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरी बच्ची, उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया। तुमने मेरा बेटा छीन लिया? छोड़ो, अब हो गया ना, क्या वो छोटे बच्चे हैं? क्या वो मैच्योर हो गए? देखो उन्हें। हाँ इन सब चीजों की क्या जरूरत है, आप लोग बड़े हो गए हैं, ये लीजिए। तुमने मेरी बच्ची मुझसे छीन ली है, उसे मुझसे अलग कर दिया है तुमने। इसकी हमारी बेटी की गलती है और मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, समझ गई तुम? ये सवाल अपने बेटे से बताती हूँ, तुम अपने बेटे से पूछो ना कि मेरी बेटी को मत करिए। धोखा तुम्हारी बेटी ने दिया है मेरे बेटे को, समझ गई? सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ये चाल चली है। मुझे बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर, समझ गई? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? डॉक्टर आप जो नेसेसरी है वो कीजिए, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। मिठाई खाएंगे डॉक्टर? नहीं नहीं थैंक्स, मैं नहीं खाता। आपका ब्लड प्रेशर लेवल हाई है, अगर ऐसे ही चलता रहे ना तो आप सबको यहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा। ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है ये सब। अरे सुनो, धोखेबाज। चलो सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। चलिए बाहर जाइए प्लीज, प्लीज प्लीज, अब बाहर जाइए प्लीज। ये हॉस्पिटल है, बाजार नहीं है। चलिए आइए बाहर। चलिए चलिए चलिए, मिठाई खाएंगे। मुझे चुप करने के लिए कह रहे, पहले इसे तो चुप कराओ, इसने ही शुरू किया ये सब। बिल्कुल सही मौका है, आइए आइए एक सेल्फी लेते हैं। अनबिलीवेबल, बिल्कुल बिल्कुल सही, आइए जल्दी स्माइल। थैंक यू। नर्स प्लीज ये पर्दा लगा दो, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। हाँ लगा दो, मुझे भी इसकी शक्ल नहीं देखनी। क्या परफॉर्मेंस थी, इतना तो मैं वर्कआउट करने के बाद भी नहीं थकता। कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, मुझे तो इतनी थकान एक्सरसाइज से भी नहीं होती। मुझे नहीं लगता ये यहाँ पर खत्म होने वाला है, ये चलता ही रहेगा और शायद ये दिन ब दिन और स्ट्रॉन्ग होगा। देखो हमारी तरफ, इस शादी का अंजाम इमरजेंसी रूम हो गया था,
मिस्टर निहात लाइन में। हाँ, वैसे एमरे के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लैला, मैं तो लैला को लेकर शॉक्ड हूँ। मेरी बहन जो कोई भी काम बिना शेड्यूल के नहीं करती, उसने आज चुपके से शादी कर ली है और किसी को बताया तक नहीं। वो प्यार है बेबी, प्यार में इंसान इम्पॉसिबल चीजें भी कर जाता है, ये तो बहुत छोटी बात है। जान, वैसे प्यार कुछ ऐसा ही होता है ना। तुम पूरी दुनिया से लड़ सकती हो अगर तुम प्यार में हो तो। तुम्हें किसी चीज की फिक्र ही नहीं होगी, तुम हर चीज झेल जाओगी। तुम्हें लगेगा कि तुम खुश हो क्योंकि तुम फ्री हो, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा फ्रीडम ही तुम्हारी लोनलीनेस है। जान, जान मुझे तो डर लगता है। मतलब मजबूरी में आकर हमने अगर लैला और एमरे जैसा कदम उठाया तो। सनम, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मॉम क्या सोचती है या क्या नहीं सोचती, पर तुम स्ट्रेस्ड हो जाती हो और वो स्ट्रेस मैं कैरी करता हूँ। तुम्हारा स्ट्रेस और मुझे वो पसंद नहीं है। हाँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ। यहाँ हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो काफी स्ट्रेसफुल ही तो है। हाँ, तुम सही हो, पर हमें क्या करना चाहिए? हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। हमारे फैमिली में सब लोग झगड़ा करते रहते हैं, सब लोग। हमारी फैमिली जैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। मेरे पापा के अंकल के साथ नहीं बनती, और अंकल की आपके मॉम के साथ अच्छी बनती है, और एमरे और लैला तो इससे बहुत दूर थे, पर अब दोनों ने शादी कर ली है। सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग है जान। हमारे फैमिलीज बिल्कुल भी हार्मनी में नहीं है। हमें ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, यही रियलिटी है। वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे छोटे छोटे डिटेल्स के लिए। ओके सनम, प्लीज ऐसा मत कहो, तुम काफी पेसिमिस्टिक बन रही हो। हम एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, राइट? हाँ। और मेरे लिए यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, आई नो दैट, पर हम बस एक ही बात 10 बार डिस्कस नहीं कर सकते, राइट? और मुझे नहीं लगता हमें परेशान होना चाहिए। एक काम करते हैं, जब तक चीजें ठंडी नहीं हो जाती, हम हमारी शादी की बात निकालते ही नहीं है। हम सब काफी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। हाँ, ये अच्छा साउंड कर रहा है, ऐसा ही करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू। ये क्या हो रहा है? सबसे बड़ा स्कैंडल, वो भी हमारे ऑफिस में, और तुम हमें कोई जानकारी नहीं देते। अच्छा, वो इशू। मुझे लगा कि कुछ बुरा हुआ है, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर लैला और मिस्टर एमरे ने एक दूसरे से अचानक शादी कर ली, यही आपका कंसर्न है ना? क्या आप जानती हैं? हाँ, हम जानते हैं। लैला इतनी जल्दी ये सब कैसे कर सकती है? उसने तो पिछले हफ्ते उस्मान से ब्रेकअप किया है। तो वो तुमसे आकर परमिशन लेगी? तुमसे परमिशन लेनी चाहिए थी, तुम्हें हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है? मत कहो। पर मिसेस हुमा ने अब तक इस शादी को अप्रूव नहीं किया है, वो काफी अपसेट थी। हम सबने देखा वो ऑफिस से कैसे गई थी। हाँ हाँ, उनकी आंखें गुस्से से चमक रही थी। एक बात बताऊं, मुझे लगता है उन्हें दुख से ज्यादा खुशी मिलती है, समझे तुम? उन्हें दुख बहुत पसंद है। हाँ, और तुम्हें पता है, हम सब लोगों को एक दूसरे को सब कुछ इन्फॉर्म करना चाहिए। जब हमें किसी चीज के बारे में पता चलता है तब हमें बताना चाहिए, ताकि हमारा एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नेट बन जाए। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्यों है ना गाइस? जी, तुम्हें भी मुझे इन्फॉर्म करना होगा, भूलो मत, तुम्हें ऐसा करना होगा। मुझे भी इन्फॉर्म करोगे? बस करो, बस करो गुलीस, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और
मिस डेरन, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एजेंसी एक लवर बोट बन गई है। ये सब क्या है? हाँ, क्या है ये सब? क्या ये हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है? क्या लगता है आपको? हाँ, बताना चाहेंगी? कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। ये एक एनर्जी है जो हवा में आती है और सबको इन्फ्लुएंस करती है, प्यार की हवा। हाँ, काफी रोमांटिक हवा है। इंसानों के लिए गुलीज है, क्योंकि तुम्हारा लव के साथ क्या कनेक्शन है कुलीस? क्या कोई लव अफेयर है तुम्हारा? हमें बताओ, क्योंकि हम नहीं जानते। सॉरी। जवाब दो। तुम ऐसे कैसे कह सके हो कि मेरा प्यार के साथ कोई कनेक्शन नहीं? और उसके अलावा क्या तुमने अपने गर्लफ्रेंड के भाई को बताया कि उसकी एक्स फियांसे ने शादी कर ली है? हाँ, ये भी एक बड़ा इशू है। ये जो अनफॉर्चुनेटली तुम्हें बिल भरना पड़ेगा। ये जो फिनिश, खत्म। चलो, चक्कर आ गया। गिरो, ठीक हो ना जीजे? ऐसे नाटक करना बंद करो। उठो उठो जीजे, उठो। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। डार्लिंग, प्लीज काम डाउन। कैसे रहो एमरे? हमने अभी तक डैड को कुछ नहीं बताया है। सब ठीक हो जाएगा, हम सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। अच्छा, मॉम, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया आपको? मिसेस हुमा, आप ठीक है ना? हाँ, थोड़ी बहुत ठीक हूँ। एमरे, प्लीज मुझे घर ले चलो। क्विक रिकवरी। मैं कैसे रिकवर करूंगी? चलो बेटा, चलो। डार्लिंग, तुम भी चलो। एमरे, अपने मॉम के साथ जाओ, प्लीज उन्हें अकेला मत छोड़ना। मिसेस हुमा, आप जा रही हैं? मैं आपके लिए कैरमल मशियाटो लाया हूँ। थैंक्स, मुझे कुछ भी खाने पीने का मूड नहीं है। लेकिन कैसे? चलिए चलते हैं। ये तुम ले लो, आया मैं। ऊपर वाले, उफ। जल्दी आओ मेविक बे, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तुम्हारी तबीयत को लेकर। हेलो नेहात, मैं आ गया। तो तुम यहाँ पर आ गए? उम्मीद है सब कुछ तुम्हारे लिए ठीक रहा। मतलब तुम जो कुछ कर रहे हो यहाँ कर, उससे पार अब जा पाओगे ना तुम? ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो बहुत बेहतर है। चलो, अच्छा है। सॉरी, कौन बेहतर है? मेवकुबे। मेवकुबे, क्या हुआ है मेवकुबे को? मैं उसे घंटों से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही है। वो मिलाद को भी, क्या हुआ है बताओ मुझे। नेहात, शांत रहोगे? तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है कि नहीं? वो स्टेबल नहीं होता। क्यों? बैठो, आओ आओ, बैठो बैठो, तुम बैठो। जल्दी बताओ मुझे क्या हुआ है। हाँ हाँ, बैठ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? बताता हूँ। तुम्हारे दुकान में योगर्ट है? हाँ है ना, दही है। क्या बात है, दही रखा है। दही के साथ में क्या करोगे? अब क्या खुद के लिए छाछ बनाने वाले हो तुम? नमक कहाँ है? तुम इस नमक और दही का क्या करोगे, बताओगे मुझे? मिताज, बताओ ना। अरे यार, ये भी ना। दे दो दे दो। अच्छा, अब बताओगे दही और नमक के साथ में क्या करोगे? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, इससे क्या होगा? ये ब्लड प्रेशर कम करने के काम आता है। मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। क्या करूं मैं? मॉम, मैंने आपके लिए स्पेशल टी बनाई है। इससे क्या होगा एमरे? ये ऐसी प्रॉब्लम है जो चाय पीने से भी सॉल्व नहीं हो सकती है। तुमने काम ही ऐसा किया है। मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? क्या एमरे, क्या करूं मैं अब? तुम ही बताओ, तुमने चुपचाप शादी कर ली, मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? बहुत हुआ मॉम। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एमरे कुछ ऐसा कर सकता है, वो भी मेरे साथ, अपनी मॉम के साथ। हाँ, क्योंकि आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हैं। नहीं नहीं बेटा, इसका क्या कनेक्शन है? पर मैं तो तुम पर भी गुस्सा हूँ, तुमने ये गलती करने से इसे रोका भी नहीं, कम से कम तुम तो इसे रोक लेते। मॉम, मैं उसका भाई हूँ और उसका भाई होने के नाते मैं हमेशा उसे खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये किया। मैं भी इसकी मॉम हूँ जान, मुझे भी इसकी खुशियों की चिंता है। नहीं है मॉम, अगर आपको फिक्र होती ना तो आज एमरे को ऐसे छुप छुप कर शादी नहीं करनी पड़ती। उसे प्यार हुआ, उसने शादी कर ली। अगर सब कुछ इतना आसान होता तो वो आपसे छुप कर शादी नहीं करता।
तो क्या सारी गलती मेरी है? तुम्हारे भाई ने गलती की है और फॉल्टी मैं हूँ? हाँ गलत है मॉम, काश हमने भी यही किया होता। मैं और सनम शादी कर सकते थे। सब कुछ आपके रूल्स की वजह से ऐसा हो रहा है। आप हमेशा डोमिनेटिंग नेचर दिखाती है, हमेशा। एमरे, क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? नहीं मॉम, भाई के कहने का मतलब ये नहीं था, है ना भाई? हाँ, तुम तो मेरे बिना रहे हो, और जब मैं यहाँ आई तो क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव आया? बिल्कुल भी नहीं। पर तुम मुझे ही डोमिनेंट कहोगे। हाँ, क्योंकि आप हैं। मॉम, आपको लगता है कि आप जो कहेंगे हमेशा वही होगा? सच में? ठीक है, लेकिन मैं आज से कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगी। मैं बस तुम्हारी खुशियाँ चाहती हूँ और कुछ नहीं। पर यहाँ फॉल्टी मैं हूँ। ठीक है मॉम, प्लीज रिलैक्स। क्या कर रही हैं आप? सब यूजलेस है। हम जो भी कहते हैं आप उस पर कभी ध्यान नहीं देती। नहीं नहीं, मेरी समझ में आ गया है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। रुकिए मॉम, देखिए मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। इमोशनल ब्लैकमेल तो यही करोगी ना? जब तक तुम दोनों मेरी इज्जत करना नहीं सीख जाते, मैं इस घर में नहीं लौट सकती। मॉम, हम दोनों आपकी बहुत इज्जत करते हैं, ट्रस्ट मी। हम तीनों एक फैमिली हैं। लेकिन तुम्हारा भाई ऐसा नहीं सोचता। मॉम, अगर आपको सच में हमारी परवाह होती कि हम क्या सोचते हैं, तो आज ये सब नहीं होता। मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। कुछ भी नहीं कहूंगी। तुम्हारे डैड मर जाएंगे, सह नहीं पाएंगे। एक और कैंडी मॉम। नहीं, बस हो गया, अब नहीं खाऊंगी कुछ भी मैं। ये आपकी इंसुलिन लेवल के लिए है। मॉम आप ठीक तो है ना? इधर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ देखिए। तुम्हें पता है मैं क्या सोचती हूँ? क्या मॉम? हम इस शादी को ना कैंसिल कर देते हैं, कह देंगे कि हमसे गलती हो गई, वरना ना तुम्हारे डैड ना वो जिंदा नहीं बचेंगे। हाँ यही करते हैं। मॉम ये किस तरीके का आइडिया है, भूल जाइए। मॉम प्लीज पागलों जैसी बातें मत कीजिए, ये मुमकिन नहीं है। पागलों जैसी? हाँ हाँ, तुम तो मुझे यही कहोगी ना। तुम दोनों के दिमाग बहुत तेज चलते हैं, हमारी इज्जत की क्या पड़ी है तुम्हें? तुम दोनों पागल हो, क्या करना है कुछ नहीं पता। मॉम अगर आप डैड से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगी तो आप खुद उनसे बात कर सकती हैं, है कि नहीं बताइए। मैं उन्हें क्या कहूँ? निहाद तुम्हारी बेटी ने शादी कर ली है, ऐसा सुनते ही ना उनका दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएंगे वो। फिर क्या करूँगी मैं, पता है तुम्हें? तुम्हारे डैड आ गए। निकालो ये सब, उधर जा दो। पता नहीं क्या करूँगी। चलो। और सब लोग नॉर्मल रहने की कोशिश करना। निहाद क्यों ना हम जल्दी से डिनर कर ले, उसके बाद जल्दी से सो जाएंगे, तुम्हें आराम की जरूरत है। शांत हो जाओ मेव के बे। तुम्हें पता चल गया क्या? किसने बताया तुम्हें? मुझे मेरे स्लीपर्स नहीं मिल रहे हैं। क्या आपने बताया इन्हें? क्यों किया ऐसा मेरे साथ मेरी बच्ची? लैला मेरी बेटी, हमने कई सालों तक इंतजार किया है कि तुम इस घर से दुल्हन बनकर विदाओगी, क्या हम इतने बुरे पेरेंट्स हैं? डैड नहीं। वेडिंग पार्टी को भी भूल जाते, लेकिन तुमने इनवाइट ही नहीं किया। हम इतने दूर है तुमसे। बिल्कुल नहीं डैड। क्यों किया ऐसा बेटा? मुझे प्यार हो गया था डैड। हमसे भी ज्यादा? कंपेयर नहीं कर सकती। हाँ वो सच कह रही है, उसे प्यार हो गया था। निहत प्यार के आगे कुछ नहीं चलता, बस प्यार। ठीक है बेटा। डैड, निहार, सब ठीक हो जाएगा, शांत रहो।
भाई, इतना मना करने के बावजूद भी वो जा रही है। जाने दो उन्हें, ये सब उनकी टैक्टिक्स हैं, वो बस हमारा अटेंशन पाना चाहती है। बच्चों मैं जा रही हूँ, अभी के लिए सूटकेस ले जा रही हूँ, बाद में आकर अपना पूरा सामान ले जाऊंगी। ऑफ कोर्स वैसे अगर तुम दोनों चाहोगे तो मैं भी यहाँ। मॉम क्या आप सच में जा रही हैं? हाँ बेटा, मेरे ख्याल से यही हम सब के लिए अच्छा होगा। अगेन मिसेस हुमा ही डिसाइड करेंगी कि सबके लिए क्या अच्छा है। एनीवे मैंने टैक्सी बुला ली है, ऑफ कोर्स इस वक्त वही सेफ रहेगी क्योंकि अभी काफी लेट हो चुका है। कौन सा होटल है? ये दर्द तो जा ही नहीं रहा है, पता नहीं। मॉम अब ठीक है ना? ये दर्द तो, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, चक्कर आ रहा है मुझे। एमरे चलो, लगता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ बैठ जाओ। पता नहीं अचानक से क्या हो गया। मैं फिर से चालू, मैं ये सब और नहीं झेल सकता, और मैं इतना ग्रेट भी नहीं हूँ कि ये सब देखने की एक्टिंग करूँ। पर आप ग्रेट हैं मॉम, आपको सच में एक्टिंग ट्राई करनी चाहिए। क्या परफॉर्मेंस दे रही हैं आप, यही ऑन स्क्रीन करो, हिट हो जाओगी। एमरे प्लीज मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओगे? पानी के साथ और कुछ चाहिए आपको? नहीं और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज के बाद सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी सनी। ओ नहीं, क्यों? हाँ हम मैरिज को लेकर थोड़ा सा डर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अब फैमिलीज को कैसे मनाऊं। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहती। ओ माफ करना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं कर सकते, सब खत्म हो चुका है, सब पहले जैसा हो जाएगा, तुम बस शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ उन्हें बहुत बुरा लगा, खास करके डैड को, वो बहुत बुरा मान गए। ओके डोंट वरी, वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब भूल जाएंगे और बेटर फील करेंगे। बस मिसेस ह्यूमा वो परेशानी बढ़ाने वाली औरत है। आई होप सो। My dear, I love you so much. I love you too, Laila. शांत हो जाओ। चलो अब मैं सोने जाती हूँ। तुम जो कह रही हो वही मुझे लगता है कि। और मैं यही हूँ, जब चाहे आ जाना। ओके। हम लोग ये गीत के बारे में तो भूल ही गए। नहीं नहीं, मैंने उसे कॉल किया था, उसे सब पता है। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, सो जाओ, कल बात करेंगे। ओके ओके, गुड नाइट सनी। गुड नाइट। उन्होंने शादी कर ली। शादी क्या कह रहे हो तुम, इसका क्या मतलब हुआ जेजे, बताओ मुझे। एक सेकेंड रुको आयान। हाँ उन्होंने शादी कर ली। तुम क्या कह रहे हो जेजे, तुम्हें पता था ना? सब पहले से नहीं, पता नहीं, था ना? किसी को भी नहीं पता था, इवन मिस्टर जान सनेम को भी नहीं पता था, उनकी माँ को भी नहीं पता था, मैंने भी अभी अभी सुना है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, उसने मेरे भाई को छोड़े एक हफ्ता भी नहीं हुआ और उसने ये सब कर लिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है। मैं उसके बारे में क्या कहूँ, वो कितनी घटिया लड़की है। प्लीज उसे नीचे रख दो, प्लीज शांत रहो आयहान, हम शांति से बात करते हैं। प्लीज आयहान नाइफ को नीचे रखो और शांत हो जाओ, शांत हो जाओ आयहान, बैठ कर बात करते हैं, शांति से भी बात की जा सकती है ना? अच्छा हुआ मेरा भाई यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वो ये सब देख नहीं पाता। अयान, उसने कहा कि लैला की शादी हो गई। ऐसे कैसे, क्या ये बात सच है? अयान क्या उसने चुपके से शादी कर ली? अरे बताओ तो कुछ, तुम बोल भी नहीं रही हो कुछ। अरे रे, जाओ जाओ यहाँ से, नहीं तो सबको मार दूंगी। चलो निकलो यहाँ से, क्या तमाशा हो रहा है, तुम भी निकलो, जाओ जी जी निकलो निकलो यहाँ से, बस बहुत हो गया, भाड़ में जाए सब। तुम जाओ तो मैं चाय ऑर्डर करूँ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। उसने शादी कर ली, मैं अब ये सब कैसे बताऊंगी भाई को? नहीं नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है सनम, तुम अच्छी हो ना,
सबसे अच्छी बात ये है कि मैं काफी परेशान था। हॉस्पिटल में कैसे है? नहीं नहीं ठीक है, हमारी मॉम थोड़ी गुस्सा है मुझ पर और लैला पर भी। उन्हें शायद वक्त लगेगा। वेल, नॉर्मल इंसानों के लिए ये सब कुछ सही है, लेकिन मिस मैकअप के लिए ये बहुत हार्ड है। और तुम कैसी हो? क्या जान के साथ सब कुछ ठीक है ना? और उसका असर तुम पर भी हुआ क्या? नहीं, सब कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग अचानक प्रॉब्लम से घिर चुके हैं। जान चाहते हैं कि हमारी शादी पोस्टपोन हो, और मुझे भी यही लगता है। सब लोग नाराज है तो हमें कुछ वक्त चाहिए। और सभी मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि सनम, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ठीक हूँ, फाइन। मैं नहीं चाहती कि मैं पीछे पड़ूँ, नहीं तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। और सभी को अभी थोड़ा थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। सही बात है, आज के दिन तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। हाँ, मैं नहीं, मेरी बहन को घर में रहने की जरूरत है, अगर आप चाहो। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी मत आना, मैं मैनेज कर लूंगा आज के दिन, शायद तुम्हें उसकी जरूरत होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। यू टू, गुड बाय। मिस्टर निहात, अंदर आने की परमिशन है? परमिशन? क्या अभी याद आ रहा है तुम्हें? आप सही हैं, आप जो चाहे कह सकते हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। ये कहने के लिए आए हो? नहीं, मैं यहां माफी मांगने आया था। वो अच्छा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए मिस्टर निहात, मैं लैला से बहुत प्यार करता हूं। अच्छा, क्या आप हमारे घर आए थे मेरी बेटी लैला से शादी करने की परमिशन लेने के लिए? हाँ, क्या हमने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया था? नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना। और आपको लगता है कि प्यार करना आसान है, लेकिन प्यार करने का मतलब ऐसा नहीं होता, उसके परिवार से भी प्यार होना चाहिए। हाँ, और यही ट्रेडिशन है, पर आप नहीं जानते हो, आपने प्यार किया और सबको दुखी कर दिया। अंकल निहात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आप तो मुझे जानते हैं, मैं एमरी की तरफ से माफी मांगता हूँ। सच में एमरी पहले बहुत घबराया हुआ था कि वो लैला को खो देगा, और मेरी बात मानिए, बस यही एक वजह थी। घबराया हुआ था? हाँ बिल्कुल अंकल निहात, सनम और मैं, हम भी अभी यही फेस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, हम दोनों की मॉम्स में एटीट्यूड है, ऐसे कैसे चलेगा, हमारा रिलेशन है, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, हमसे कोई पूछना ही नहीं चाह रहा है, दोनों मॉम्स का ऐसा एटीट्यूड है, इसीलिए एमरे और लैला ने यह फैसला लिया। उनका बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था कि किसी को भी ठेस पहुंचे, यही डर था कि वो कहीं लैला को खो ना दे। माना कि हम दोनों ने गलती की है, पर मैं लैला से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपसे माफी मांगनी थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आपकी माफी के लिए मैं कुछ भी करूंगा, प्लीज हमें एक मौका दीजिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके हाथ चूमना चाहूंगा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जाओ उस तरफ जाके बात करो। मैं लैला को हमेशा खुश रखूंगा, उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा, राजकुमारी की तरह रखूंगा, वैसी जैसे आपने रखा था। फील कर रही है आप? सर दुख रहा है? मैं ठीक हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने चुपचाप शादी कर ली है। समझ नहीं आ रहा उसकी वेडिंग फोटोज कहाँ पर लगाऊं। हाँ वैसे हमारे अंकल ने ली है। कितनी अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा रहेगा, अंकल को थैंक्स कहो।
मॉम मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको ऐसा फील नहीं कराना चाहती थी, पर मैं डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि यही एक तरीका है ताकि मैं अपने प्यार के साथ रह पाऊं। मुझे डर था, मुझसे गलती हो गई मॉम। आप ही तो डैड के साथ और सनेम से, आप लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, मैं भी तो खुश रहना चाहती हूँ मॉम। ये सब मेरे लिए आसान नहीं था मॉम, लेकिन मुझे लगा यही एक सलूशन है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मॉम। चलो बाहर चलते हैं, आपको ताजी हवा की जरूरत है। हम सीसाइड चले क्या? नहीं बेटा, मैं यही रहूंगी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें जो करना है वो करो, मेरी परमिशन क्यों चाहिए? तुम अपने आप कर सकती हो, इसलिए जो करना है करो मॉम, मेरी परमिशन की जरूरत नहीं। मॉम कहा ना, जो करना है करो। मुझे लगा था ऐसा ही कुछ होगा। तुम वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा समय रहते। तुमने सुना नहीं कैसी बातें कर रही थी लैला। हाँ जान, ठीक है हम आ रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो मैं बताती हूँ, चलो चलो। ये कितना अच्छा है, एक पीसफुल टी ब्रेक सब लोगों से दूर। आप बहुत ही अच्छे हो। थैंक यू सो मच। मैंने सुना कल का दिन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था। हाँ, एमरे की वजह से, अनबिलीवेबल। जान भी अच्छे से नहीं रह रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे। मैं जानता हूँ, अगर फ्यूचर में दुखी भी होंगे तो भी मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी, आखिर मैं उनकी मॉम हूँ। आप अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन जान ने कदम उठाया है। उसने सनम को कहा कि शादी की डेट पोस्टपोन कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ जान, शायद शादी को ही गिव अप कर दे, ऐसा लग रहा है मुझे तो। शायद वो अपने ओल्ड टाइम फ्रेंड्स और फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हो। हाँ मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बेटे की परवाह है, पर मुझे उस लड़की के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। जान उसे खुश नहीं रख पा रहा और ये तो बहुत गलत बात है ना। पर सनम तो उससे बहुत प्यार करती है ना। उसे लगता है कि वो उसे प्यार करती है, पर उसे जल्दी समझ में आ जाएगा कि वो एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ऐसे कैसे? मेरे पास कुछ प्लान्स हैं इकित, क्योंकि इस सडन मैरिज के बाद मैं अब ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती। मुझे जानना है आपसे कि आप क्या कहना चाहती हैं। उसे समझ में आ जाएगा कि मिसेज हुमा के बेटे से शादी करने का हर्ष क्या होता है। सनम देखेगी कि उसकी दीदी को क्या क्या झेलना पड़ रहा है और वो जान को छोड़ देगी। अपनी बहन को देखते देखते उसे अपना फ्यूचर भी दिखाई देगा। आप स्कैरी है मिसेस हुमा। जिंदगी जीना सिखाया नहीं जाता, खुद सीखना पड़ता है माय डियर। तजुर्बा सबसे ऊपर होता है। मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, तुम यहाँ लैला को बिजी रखो। वो काम में इतनी बिजी रहेगी कि उसके पास फ्लैट ढूंढने का टाइम ही नहीं रहेगा, और हनीमून के लिए भी वो लोग नहीं जा सकेंगे। जान और सनम वो काम करेंगे। मुझे तो ये काफी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि एमरे और लैला को देखकर ये लोग संभल जाएं। वैसे भी मैं अपनी लाइफ में फेलियर्स बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें पता है ना। मैं समझता हूँ, पर जैसे कि आपने पहले ही कहा, मुझे किसी भी नतीजे पर पहुँचने से पहले जरूरी नहीं कि किसी के रिश्तों में दखल अंदाजी करना। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ओके थैंक यू, तुम्हें और भी काम होंगे। नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। नहीं, अब मैं चलती हूँ। आप जब चाहे आ सकती हैं। और हाँ एक बात और, एमरे से कह देना कि मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हाँ जरूर, बाय द वे मैंने जो कहा है उसे कंसिडर जरूर करना, लैला को बिजी रखना, क्योंकि फ्यूचर में सनम को कंग्रेचुलेट करना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए जितना लैला और एमरे को करना था। बाय।